सरकारी अस्पताल की दुर्दशा में सुधार हुआ। संगमरमरी फर्श, बैठने के लिए सोफा, कांच लगे हुए केबिन, ड्रेस में मेम साहब। हमारे बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश के गांव के लोगों को भयभीत कर रहा है। इसी बनावटी दुनिया में वह जीवन रक्षार्थ गुहार लगाने अस्पताल में इलाज के लिए यहां चले आते हैं, लेकिन व्यवस्था के दीवार में अपने पेट के लिए, नौकरी के लिए प्रतिदिन आने वाले डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों को इस क्षेत्र के गरीब लोगों पर दया नहीं आती है। इनके वेतन सुविधाओं में थोड़ी सी कटौती हो जाए तो सरकार के नाकों चने चबा देते हैं, किंतु जिनके लिए इस हॉस्पिटल के श्वांग को रचा गया वो तरप कर दम तोड़ने की स्थिति में रहते हैं और इनके कर्मचारी बाहर तक नहीं आते हैं। दूर दराज गांव में रहने वाली ऐसी जनता जो बेगूसराय में आकर कह रहे हैं, पता नहीं इन्हें ओने की हो रहले, उसे कह रहे हैं पटना की भीड़ दम तोड़ो और गंगा में तैरती लाश बन जाए। हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, सुशासन की सरकार है, शायद सब कुछ जानते होंगे। चुनाव के वक्त जनता की दशा को देख लेते हैं, चुनाव के बाद उद्घाटन के नाम पर सारे हॉस्पिटलों को। आपको बताते चलें कि घटना बेगूसराय जिले अस्पताल का है, जिसके नामों को लेकर बहुत सारे सामाजिक संस्थान ठाने बैठे हैं, किंतु वहां पर गरीबों के साथ क्या दुर्दशा होती है उसको देखने वाला कोई नहीं है। मेरी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से अमित कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना। कहाँ के रहने वाले? ये अभी जो आप आए थे, क्या वजह से यहाँ आए थे? मम्मी के लिए, एक दो बजे से आ रहे थे, हम एक बजे से दानों से नहीं आ पाए। आपका क्या हेल्प किया गया था आप जब यहाँ आए हैं तो? हेल्प का सर किया गया, देखे थे वो दवाई कुछ बाहर के लिखे हैं, कुछ भीतर का, तो बाहर का 700 की दवाई मिली है। अभी हम आए तो देखे आप नीचे में ही बैठे हुए थे, तो डॉक्टर का दवा था यहाँ से ले जाओ, डॉक्टर कहे हो चाहे सर यही जो सब अभी काम करते हैं सब लोग हल्ला कर रहे थे कि इनको ले जाओ यहाँ लिया है, तब हम कहें सर यहाँ दवाई के लिए 4 बजे मेडिकल खुलते हैं, तो हम कहें 4 बजे मेडिकल खुलेगी तब दवा ले करके जाना, तो हम सर देते हैं अब का यहाँ क्या सुई हुई सब सही से इलाज हुआ था इनका यहाँ जब आप लेकर आए हैं तो? एक सुई पर यहाँ, एक बाहर से लिखे तो बाहर वाला लेकर आए तो यही लगा, दो ही सुई लगाए हैं सर, और कुछ तो इनका इलाज यहाँ सही ढंग से हुआ है आपके मुताबिक? अब हम क्या सुई दिए दवाई लगाए हैं और बस, और कोई दवाई नहीं। आप क्या चाहते थे जो कि यहाँ भर्ती करें, इनका इलाज हो? आपको यहाँ कोई मदद नहीं मिला? बोला सीधे पटना ले जाइए, यहाँ दूरबीन से देखा जाएगा, यहाँ नहीं है।